25 मई 2013 को झीरम घाटी में शहीद हुए नेताओं व पुलिस अधिकारियों को दुर्ग के राजीव भवन में कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मुख्य रूप से दुर्ग शहर के विधायक अरुण वोरा, दुर्ग नगर निगम के महापौर धीरज बाकलीवाल, दुर्ग नगर निगम के सभापति राजेश यादव, महिला दुर्ग शहर अध्यक्ष के साथ अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए। सभी ने 2 मिनट का मौन धारण कर फूल माला अर्पण कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। साल 2013 में छत्तीसगढ़ में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने थे। पिछले 2 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी और अमन सिंह मुख्यमंत्री थे। 10 सालों से सत्ता से दूर कांग्रेस इस बार जीतने के लिए पूरा जोर लगा रही थी। इसी कड़ी में कांग्रेस ने पूरे राज्य में परिवर्तन यात्रा निकालने की तैयारी की। 25 मई के दिन कांग्रेस ने सुकमा में परिवर्तन रैली आयोजित की। रैली खत्म होने के बाद कांग्रेस नेताओं का काफिला सुकमा से जगदलपुर जा रहा था। काफिले में करीब 25 गाड़ियां थी जिनमें 200 नेता सवार थे। सबसे आगे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, उनके बेटे दिनेश पटेल और कवासी लखमा अपने अपने सुरक्षा गार्ड्स के साथ थे। इनके पीछे महेंद्र कर्मा और मलकीत सिंह गेंदू की गाड़ी थी। इस गाड़ी के पीछे बस्तर के तत्कालीन कांग्रेस प्रभारी उदय मुदलियार कुछ अन्य नेताओं के साथ चल रहे थे। शाम करीब 4 बजे काफिला झीरम घाटी से गुजर रहा था। यहीं पर नक्सलियों ने पेड़ों को गिराकर रास्ता बंद कर दिया। पेड़ों के पीछे छिपे 200 से ज्यादा नक्सलियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। नक्सलियों ने सभी गाड़ियों को निशाना बनाया। नंद कुमार पटेल और उनके बेटे दिनेश की मौके पर ही मौत हो गई। करीब 1.5 घंटे तक फायरिंग होती रही। इस हमले में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कई बड़े नेताओं की जान चली गई थी। आज पूरा प्रदेश और देश हमारे कांग्रेस के उन वरिष्ठ नेताओं का नमन कर रहा है जिन्होंने परिवर्तन यात्रा के दरमियान 2013 में परिवर्तन यात्रा प्रारंभ की थी। कांग्रेस कमेटी के द्वारा अध्यक्ष थे हमारे कांग्रेस के नंद कुमार पटेल जी और लगभग उन्होंने 70 से अधिक विधानसभा में अपनी परिवर्तन यात्रा पूर्ण कर ली थी। बस्तर के सुकमा में जब पहुंची तब जो वाकया हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है। उस वाकये ने पूरे देशवासियों को झकझोर कर रख दिया। परिवर्तन यात्रा पर जो हमला हुआ उसमें नंद कुमार पटेल जी, विद्याचरण शुक्ला जी, महेंद्र कर्मा जी, उदय मुदलियार जी सहित लगभग 31 कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इस दरमियान अपनी जान को खोया और एक नक्सली हमले में यह दर्दनाक हादसा हुआ। ये इसके बाद आज यात्रा चलती रही लेकिन हमने अपने नेताओं को खोया। मैं उन्हें अपनी ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उन्होंने जो योगदान दिया है कांग्रेस पार्टी के लिए उसे हम लोग कभी भुला नहीं सकेंगे। हम सब उनको आज नमन करने के लिए कांग्रेस भवन में उपस्थित हुए। सबसे सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि जिस तरीके से उन्होंने अपने जीवन काल में कार्य किया है एक समर्पण भाव से और एक सजगता से सक्रियता से उन्होंने जो पार्टी की सेवा की है और निस्वार्थ भाव से उन्होंने नागरिकों की जो सेवा की है उसको हम अपने जीवन में आत्मसात करें यही हमारे लिए सबसे बड़ा उनकी श्रद्धांजलि। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से नवाब दिल्लीवार की रिपोर्ट।